हे गाइस ये चौथा भाई हो बच्चे हो गए और अच्छे ही रहो। तो गाइस आपके लिए ला चुके हैं एक और नई वीडियो जिसमें आज भाई बहुत दिनों बाद हम कुछ अनबॉक्स करने वाले हैं और भाई अनबॉक्स करने में वैसे मुझे बहुत मजा आता है। तो आज की इस वीडियो में जो चीज हम अनबॉक्स करने वाले हैं उसका नाम है रेडमी K40 स्मार्टफोन, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, पर जिसका नाम रहेगा वो रहेगा पोको F3 GT। उस नाम से इंडिया में लॉन्च होगा, रेडमी का फोन है पर नाम पोको से इंडिया में लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो ये जो फोन है चाइनीज वेरिएंट है, इसलिए नाम भी चेंज है और थोड़ी बहुत चीजें चेंज है, बाकी इंडिया में जब आएगा जब उसकी भी अनबॉक्सिंग ले आएंगे। फिलहाल अभी आज ये K40 की अनबॉक्सिंग है, रियलमी K40 की सीरीज की अनबॉक्सिंग है, जो इंडिया में पोको F3 GT के नाम से आने वाला है। आगे आज आप इस वीडियो को देखते हो और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी की अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है और यार फोन भी प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा अपने साथ अच्छे स्पेक लेके आता है। ये गेमिंग फोन है जो पूरा गेमिंग के लिए डिजाइन करा गया है, स्मार्टफोन बहुत भयंकर अच्छा है। अब जल्दी जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं यार, क्या है ना मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है कि अनबॉक्स करें बिना, क्योंकि बहुत दिन हो गए कुछ अनबॉक्स नहीं करा है। तो हाँ आज की अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, फिर मैं हूं अक्षत और आप देख रहे हैं सेटेक जोन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका चमकता धमकता K40 लिखा हुआ बॉक्स, जिसके बिल्कुल आई साइड सब तरह लिखा हुआ है कुछ गेमिंग के बारे में। अच्छा सा देख लीजिए ये लिखा हुआ है, मतलब चाइनीज वेरिएंट है ऑब्वियसली यार, चाइनीज में लिखा हुआ है। हम इसे सिंपली से ओपन करते हैं, यार ओपन कैसे होगा बे, और ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें इसका डब्बा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, शुरू में ये मिलता है, उसके नीचे हमको हमारा स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है जो कि रैपिंग के अंदर रहता है। तो ये हमारा स्मार्टफोन है, तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं और हम हमारे इसके अंदर देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या मिलता है। इसके अंदर हमें एक सिंपली सा एक नॉर्मल सा व्हाइट कलर का केस मिलता है, उसके ऊपर सिम इजेक्टर टूल मिलता है और कुछ पेपर वर्क मिलता है जो कि भाई कोई नहीं पड़ता है यार, पर पढ़ सकते हो यार। तो यहाँ हम इसे केस के अंदर लगा के देखते हैं, तो यार केस के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है और बाकी स्मार्टफोन जैसा नहीं है यार कि ठूस ठूस के लगाना पड़ा, बहुत ही अच्छी तरीके से और नॉर्मल तरीके से लग चुका है। पूरी तरीके से बेजल्स भी इसने छुपा लिए, मतलब पूरी कवर कर ली है, पूरी प्रोटेक्शन हो चुकी है, हैंड ग्रिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हीट ने भी भाई आसानी से हीट जाता है और लग भी जाता है बहुत जल्दी से। और ट्रिगर के लिए अच्छी बात यही है कि भाई ट्रिगर के लिए जो इसमें ट्रिगर हैं वो फिजिकल ट्रिगर्स हैं और उनके लिए इसने जगह भी दी है ताकि आप अच्छी तरीके से गेमिंग कर ही जाओ, मतलब पूरी गेमिंग का ध्यान रख के ही बनाया है। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि पीले कलर का चार्जर, वैसे तो यार ये चाइनीज वेरिएंट है इसलिए पीले कलर का चार्जर है। अगर ये इंडिया में आएगा तो भाई वही यार काले या फिर व्हाइट कलर का रहेगा, बट यार इसमें जो चार्जर है ये पीले कलर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। केबल क्वालिटी यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यार फोन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है तो उसके साथ साथ केबल भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी जो कि आपके फ़ोन को बहुत 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 जल्दी चार्ज कर देगी। तो यार चार्जर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार, क्योंकि इतना तेज चार्ज करता है ये फ़ोन को कि भाई मज़ा आता है। और केबल की तो बात करो ही मत यार, केबल भी बिल्कुल एक नंबर ब्रांडेड केबल है जो कि आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज करने में मदद करती है। बाकी डब्बा पूरा खाली हो जाता है, हम डब्बे को साइड में रखते हैं और हमारे स्मार्टफोन के ऊपर आते हैं। अब ये देख लीजिए स्मार्टफोन का लुक कुछ इस तरीके, आपको पूरे में पीछे टेम्पलेट ग्लास की कोटिंग देखने को मिल जाती है जो कि आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है और भाई हैंड ग्रिप भी बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से लगती है। और जो डिज़ाइन है यार ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब चमकता इतना भयंकर अच्छी तरीके से ये फोन पीछे से दिखने में। और काला कलर तो यार मजे ला देता है। स्क्रीन भी बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा अमेजिंग डिस्प्ले है, ओलेड डिस्प्ले है तो भाई कलर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे फेंकती है। और फोन भी बहुत ज्यादा पतला है यार, एक गेमिंग फोन के मामले में ये फोन बहुत 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 ज्यादा पतला है जितना रहना चाहिए। और फोन का वेट भी कुछ इतना ज्यादा नहीं है, बहुत लाइट वेट फोन है, बिल्कुल मेरे को पकड़ने में ऐसा नहीं लगा कि फोन भारी है। और यार सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है फ्लैश में, जो इनने फ्लैश का जो आकार दिया है वो बिल्कुल मतलब थंडर वाला आकार दिया है जो कि इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है। यहाँ पे भी एक गेमिंग साइन है और रेडमी का लोगो है और पीछे पूरा वही यार एक ग्लास का शील्ड है। और यहाँ पे देख लीजिए फोन के ऊपर ये कुछ ट्रिगर दिए गए हैं जिन्हें आप गेमिंग में यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली यार गेमिंग फोन है तो ट्रिगर क्यों नहीं होंगे, तो ये आप इन ट्रिगर को यूज़ कर सकते हो और आगे हम वीडियो में इन ट्रिगर का यूज़ करके भी दिखाएंगे। तो यार फोन में देख लीजिए इतनी सारी चीज़ें हैं और यहाँ क्वाड माइक का सेटअप देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये लोगो भी है यहाँ पे। तो इसके अंदर चार
चार माइक हैं यार आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रांसफर करने के लिए, तो यार बिल्कुल फोन तो यार एक नंबर अमेजिंग फोन है। और बाकी ट्रिगर्स तो मिल ही जाते हैं आपके गेम्स खेलने के लिए, और इसका ग्रिप भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप तो यार टॉप की बात करें तो हमें टॉप में देखने को मिल जाएगा एक माइक, मतलब वो चारों तरफ भी माइक है तो टॉप में भी आपको माइक देखने को मिल जाएगा, उसी के साइड में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा। स्पीकर की जो ट्यूनिंग है वो है JBL की तरफ से, तो उसकी भी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और स्पीकर का जो मॉड्यूल है वो भी यार पूरा गेमिंग को देख के ही ध्यान में रखते हैं, मतलब सारी चीज गेमिंग की ध्यान में रख के ही बनाई गई है। दो स्पीकर आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे और दो स्पीकर नीचे, तो यार साउंड क्वालिटी भयंकर तरीके से अमेजिंग रहने वाली है। देख लीजिए नीचे का मॉडल कुछ इस तरीके से है, स्पीकर आपको नीचे भी मिल जाता है, USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है फास्ट चार्जिंग के लिए, उसी के साथ आपको एक मेन माइक में दिखने को मिल जाता है जिससे आपकी कॉलिंग जाती है, उसी के साथ सिम ट्रे टूल आपको नीचे देखने को मिल जाता है। और देख लीजिए आप फिंगरप्रिंट देखो यार तुम तो बस, मतलब देखो कितनी जल्दी खुल रहा है, कितनी जल्दी खुल रहा है खुद ही देख सकते हो, ये लगा ही मैंने और ये खुल गया। और एक और चीज़ जो अच्छी लगती है वो कि भाई इसके अंदर जो टक की आवाज आती है खुलते से ही, मतलब जैसे आप टच करोगे बिल्कुल टक और खुल जाता है, मतलब बहुत फास्ट है यार, बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा फास्ट है। डिस्प्ले की जो टच है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 120 फ्रेम रेट्स की डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है जो आप 60 हर्ट्ज़ पे भी चला सकते हो। बाकी यार 120 हर्ट्ज़ पे बिल्कुल भयंकर मक्खन चलती है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर ये अपने साथ में लेके आता है। और यार OLED डिस्प्ले है तो आपको कलर्स तो यार बेहतरीन मिलते ही हैं, और ब्लैक तो यार और भी ज़्यादा बेहतरीन देखने को आपको मिलता है। तो यार ऑब्वियसली ये डिस्प्ले गेमिंग के मामले में नंबर वन है। अब वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर जाते हैं जहाँ पे हम इसका प्रोसेसर टेस्ट करने वाले हैं, और प्रोसेसर इसके अंदर नया नवेला Dimensity का 1200 दिया गया है, जो कि अभी तक का बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर इस प्राइस में रेंज में आने वाला है। और मतलब इस प्राइस रेंज के और कौन से फ़ोन में तो यार वो नॉर्मली देखने को मिलता भी नहीं है, इन्हें पता नहीं कैसे लगा दिया पर लगा दिया। और प्रोसेसर यार इतना तेज है, देख लीजिए मैं इतने सारे ऐप खोलूंगा, ऐप इतनी जल्दी खुल रहे हैं यार, मैं फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली सारे ऐप्स को खोल रहा हूँ, और ऐप नॉर्मली बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से खुल रहे हैं। नॉर्मल फ़ोन तो भाई 15 बार अटक जाता है पर ये नहीं अटक रहा है, फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत पतला भी है, तो आपको ज़्यादा गेमिंग आप करोगे तो आपको ऐसा भारी भारी नहीं लगेगा, आप हाथ में पकड़ के अभी रखोगे तो। तो यार जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस में सेफ प्रोसेसर ही जरूरी नहीं रहता है, तो जो इसके अंदर स्टोरेज रहती है वो भी मिल जाती है आपको UFO 1.3 की स्टोरेज, जो कि एक सुपर फास्ट स्टोरेज तो यार मक्खन की तरह आपका डाटा ट्रांसफर होता है। और उसी के साथ आपको देखने को मिल जाती है जो रहती है रैम, वो रहती है सैमसंग की DDR4 रैम इसके अंदर। और यहाँ पे देख लीजिए आप फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लुक के साथ आता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे हम देख लीजिए इसके ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे आपको ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले भी बहुत टॉप मच है। यहाँ पे ऊपर आपको देखिए हम गेम चला के देखते हैं PUBG, तो यार देख लीजिए जो यार स्टेरियो स्पीकर्स हैं उनके में से साउंड मतलब कितना अमेजिंग आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, लिटरली बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग साउंड इसके अंदर से आ रहा है यार, जो बेस आ रहा है वो मुझे फील हो रहा है, आपको फील तो नहीं करवा सकता पर भाई मैं रियली बता रहा हूँ यार, बहुत 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 अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग। पर आपको देख लीजिए मैं थोड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस भी दिखा दूँ, तो यार देख लीजिए कितना स्मूथ हमारा गेम चल रहा है, गोलियों की आवाज़ भी बिल्कुल एक नंबर आ रही है, मतलब पूरा बेस आ रहा है गोलियों का यार, और गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल इतनी चिकनी चिकनी स्क्रीन और सब कुछ, तो मतलब पूरे के पूरे गेमिंग को ध्यान में रखते हुए ना बिल्कुल मक्खन स्मार्टफोन बनाया है यार, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और प्राइस रेंज भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, खैर हम प्राइस रेंज के आगे बात करेंगे, तो यार यही है इस गेम के अंदर, आप इस गेम के अंदर बिल्कुल स्मूथली खेल सकते हो। हम तो सिंपली से पहले मिनिमाइज करते हैं क्योंकि बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें बाकी बची हैं आपको बताना। तो यार अब इसमें बचा क्या है, वो बचा है कैमरा, तो यार कैमरे के बारे में ये सिंपली एक गेमिंग फ़ोन है, तो यार कैमरे के बारे में मैं इतना नहीं कहूँगा कि कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, 64MP का प्राइमरी कैमरा है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 8MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा डेप्थ कैमरा की जगह आपको इसमें देखने को मिलेगा एक माइक्रो कैमरा जो है 2MP का। तो यार ये उसका कैमरा मॉड्यूल है, बेसिकली एक गेमिंग फ़ोन है तो कैमरे पर हम इतना ज़्यादा ध्यान ना दें तो ही अच्छा है, बट मैंने जितना सोचा था उससे बहुत 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 ज़्यादा इसका अच्छा कैमरा है। ये देख लीजिए हम फोटो एक पहले ऐसी फ़ोटो ले लेते हैं, और उसी के बाद ये देख लीजिए इसमें डिटेल्स कितनी अच्छी आई है, और ये फ़ोटो भी कि देखने कितनी अच्छी आई है, मैं फ़ोटो ले लेता हूँ थोड़ी, दो तीन स्क्रीन पे तो नहीं डाल सकता यार क्योंकि फट जाएगी मुझे मालूम है, और फोटो पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ रही है, जितनी आप नहीं सोचोगे ना उससे ज़्यादा ही अच्छी आ रही है फ़ोटो और अच्छी आएगी। हम वाइड एंगल में भी एक ले लेते हैं, तो वाइड एंगल में देख लेते हैं कैसी डिटेल्स आती है, तो यार वाइड एंगल में थोड़ा क्या 8MP का कैमरा है तो यार डिटेल्स इतनी अच्छी नहीं हमें देखने को मिल रही है, पर यार गेमिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है रहने वाला है आपके लिए।
तो बैटरी की बात कर ले, बैटरी रहने वाली है 5045 mAh की बैटरी, जिसके साथ 67 W का फास्ट चार्जर आता है। पहले मैंने 65 बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। और लिटरली यार चार्जिंग बहुत ज्यादा तेज होती है, मैंने बिल्कुल 100% तो चार्ज नहीं करा, बट जितना चार्ज करा उतना वो इसने बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया। और इसी के साथ देख लिया, मैं इतनी देर से यूज कर रहा हूँ पर बैटरी यार बहुत ज्यादा कम लग रही है, बहुत ज्यादा कम लग रही है। और क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो 6 nm का प्रोसेसर है, तो यार बैटरी भी बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करता है और कम आपका बैटरी खाता है, तो उसके कारण का फोन ज्यादा देर तक चल पाता है। तो यार लिटरली इसका जो UI की बात कर ले हम, वो रहने वाला है MIUI का 12.5, जो कि यार अभी तक का सबसे लेटेस्ट MIUI है, जिसका मतलब यार Xiaomi ने इसको मतलब क्या करके कस्टमाइज करा है यार, दिन पर दिन Xiaomi इसमें अच्छी चीजें डालते जा रहा है। और भाई जो लोग एक बार Xiaomi का EMUI चला लेता है ना, उसे फिर बाकी फोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं वो मतलब फीके लगने लगते हैं। क्योंकि देख लीजिए, इसमें देख लीजिए आप, मतलब पहले ही लगाने से पहले आप देख सकते हो कि आपका फोन कैसा दिखेगा, लगाने के बाद देख लीजिए कैसा दिखने वाला है। तो मतलब यार फीचर्स Xiaomi इतने सारे दे देता है यार कम प्राइस पे, कि भाई ऑब्वियसली बंदा इनके फोन नहीं चाहते हुए भी खरीदने चल जाता है, क्योंकि यार फीचर्स ही इतने सारे देता है, कम प्राइस रेंज पे सबसे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है यार। ऑब्वियसली इस फोन में भी कम प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली गेमिंग फोन है, बट यार गेमिंग खेलने वाले को तो मजे आने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको अगर नॉर्मल यूज के भी लेना है ना इसे, तो नॉर्मल यूज में तो आप भाई इस फोन में उछल जाओगे, क्योंकि बिल्कुल लेग नहीं मारेगा आपके नॉर्मल यूजों के लिए तो। और ये जो टर्बो मोड है, यहाँ से आप इसे दोनों ट्रिगर दबा के ऑन कर सकते हो, उसी के साथ आपका फेवरेट गेम भी इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। अब बेसिकली यार यहाँ से देख लीजिए आप ट्रिगर से खेल सकते हो, मेरे को तो यार अभी कस्टमाइज करना याद नहीं है ट्रिगर, तो मैंने अभी कस्टमाइज करे नहीं है, नहीं तो मैं आपको खेल के दिखाता, पता नहीं कैसे कस्टमाइज होंगे, पर खैर मैं यूट्यूब पे वीडियो देख देख के कस्टमाइज कर लूंगा। तो गाइस आगे की क्लिप जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मतलब कैमरे में पता नहीं क्या हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं से ही ऐसे बिना फेस कैम के ही एंड कर देते हैं। और यार आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई वही डायलॉग के सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, और लाइक कर देना वीडियो को अच्छी लगी हो तो, और नील भी लगी हो तो लाइक तो कर ही दो यार अब तक यहाँ तक देख लिए तो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हम मिलेंगे आपसे एक और किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।